जय काली मैया। एक्चुअली ये वाला वीडियो मेरे बेटे के मुंडन का है, पार्थ के मुंडन का, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये हम लोगों ने 29 अप्रैल को इसका मुंडन था तो वही मनाया था। इसमें देखिए इसके बाल कितने लंबे लंबे हैं, मतलब ये दोनों साथ में रहते थे ना, लोग मेरे से पूछते थे दोनों लड़की है क्या इतना क्यूट लगता था, एकदम लड़की जैसा लगता था, और लंबे लंबे बाल तो इसके थे ही, और दोनों मस्ती करते रहते थे, साथ तो हमेशा ही रहते हैं। मतलब 6 अप्रैल को इसका 4 कंप्लीट हुआ, 5 में हम लोगों ने इसका मुंडन करा दिया। 29 अप्रैल को, 6 अप्रैल को 4 कंप्लीट हुआ, 5 में घुसते ही इसका मुंडन। अब मुंडन स्टार्ट हो चुका है। मुंडन से एक रात पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो अभी वही हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, मैं भी पीछे बैठी हुई, मेरी मम्मी भी है। मॉर्निंग हो गया, सुबह मुंडन की सुबह का ये है जहाँ पे सब लोग हंसी मजाक करते हुए, मेरी मम्मी, सासू माँ, चाचा जी, मतलब मेरी ये दादी सास हैं। दादी सास 103 साल की हो चुकी हैं, फिर भी वो मुंडन को लेकर के इतनी एक्साइटेड हैं कि उनके पर पोते का मुंडन है, इसके लिए वो सुबह शाम रोज़ गाना गाती हैं। 2 गीत तो मतलब एकदम होना ही है। इनका याददाश्त भी इतना तेज है कि कोई गाना नहीं बोलती, कोई रस्म नहीं बोलती, और सब कुछ स्ट्रिक्टली करवाती भी हैं और गाना गा रही हैं। सुनिए उनके कुछ गाने तो अब पार्थ और दादी बिल्कुल मुंडन के लिए रेडी हैं, दोनों जा रहे हैं। अब मैं भी पार्थ को चेयर अप कर रही हूँ मुंडन करवाने के लिए, बेचारा थोड़ा डरा हुआ है। ये चाचा जी हैं एक्चुअली, जो मुंडन में आते हैं मुंडन देखने के लिए, उनको प्रसाद दिया जाता है खीर और पूरी का, तो वही प्रसाद बना रहे हैं चाचा जी, खीर बना रहे हैं। ये मेरी मम्मी है ग्रीन साड़ी में जो हंस रही है, और रेड कलर की साड़ी में जो है वो मेरी सासू माँ है। यहाँ माँ ही पार्थ का सर ढक रही है। यहाँ पे मुंडन का गीत सब चल रहा है, जैसे हमारे मिथिला में, हम लोग मिथिला ब्राह्मण हैं, तो मुंडन से पहले गीत गाया जाता है। यहाँ पे मेरी एक दादी सास, मेरी माँ जी, सब लोग मिलके गीत सब गा रहे हैं मुंडन के लिए। पार्थ बेचारा समझ में नहीं आ रहा उसको हो क्या रहा है, सुस्त है, हर सुबह से सिर्फ दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स और बनाना खा रखा है, कुछ मतलब नमक वाला चीज़ नहीं खाया है, और 11 बजे का राउंड हुआ था तो हो सकता है भूख भी लगी हो, बट थोड़ा शौक के लग रहा है, उसका शक्ल देख के लग रहा है कि वो थोड़ा शौक है, क्या हो रहा है ये। मुंडन लगभग हो चुका है, अभी लास्ट ही बाल बस कट रहा है, और ये रेड कलर की साड़ी में मैं हूँ, पूरी वहाँ पे दुल्हन बनी हुई थी ससुराल में थी ना। अब 5 लेडीज़ मिलके पार्थ के सर पे दही हल्दी लगाते हैं, उसके पापा उसको तैयार करके ले जा रहे हैं, और ये यहाँ पे आके बैठ गया। इसमें एक ड्रेस जो होता है पूरा खंड पहना जाता है, जो नानी के घर से आया होता है वही, तो वो पहन के यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसको दुर्वाक्षत पड़ेगा, और यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, ये मेरे पापा हैं जो पार्थ को अभी टीका लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। पार्थ को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है, सब लोग उसको इतने सारे पैसे दे क्यों रहे हैं, बेचारा शांति से बैठा हुआ है। Okay.
माँ जी ने जैसा कि बोला कि पहले जो बच्चा उसकी माँ चुमाती है, तो इसीलिए मैंने पहले टीका लगा दिया। अब जिन्होंने बाल लिया यानी बुढ़िया दादी, वो टीका लगा रही हैं। फिर माँ जी, माँ, ये सब लोग जितने भी चाची, नानी, दादी जो भी थे वहाँ पे, सब लोग इसको चुमाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी मामी, नानी और चाची सब जो हैं वो उसको आशीर्वाद दे रही हैं, टीका लगा रही है, मतलब चुमा रही हैं। अब जो है इसका दुर्वाक्षत का टाइम हो, और यहाँ पे सब उसको दुर्वाक्षत दे रहे हैं। मेरे चाचा जी आए हुए हैं, पापा जी हैं, पापा हैं, मतलब पांच ब्राह्मण मिलके बच्चे को दुर्वाक्षत देते हैं। तो वही अभी दे रहे हैं सब लोग, देखने के लिए उसके पास। इसका बाल कट गया। यहाँ पे जो परिवार के लोग थे उन्होंने ही खाना खाया, बहुत सारे गेस्ट को हमने इनवाइट नहीं किया था कोरोना की वजह से, तो जो घर के लोग थे वही बस थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक है क्योंकि सब लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा लगता था। दूसरे दिन फिर हम लोगों ने माही का भी बाल कटवा दिया ताकि पार्थ को बोर ना फील हो, बस दोनों टकला टकलू हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। हेलो, कौन कौन ये कुछ पिक्स इसके नानी गांव के है, नानी के साथ है, माई डांस कर रही है, डांस कर करके दिखाती है। यहाँ पे आंगन में झाड़ू लगा रही है नानी, नानी के आंगन में, और अब नानी के साथ मिलके पूजा कर रही है, मंत्र जाप कर रही है उंगली पे वो भी। बहुत मस्ती की दोनों ने गांव में लॉकडाउन के दौरान।